भाई ये बंदर पीछे हमें छोड़ रहे हैं हमारा, ये इधर उधर ना हमेशा अभी दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो भैया हम आ गए हैं यहाँ पे बहुत दूर वाले घने जंगलों में। घर से कम 20 किलोमीटर की दूरी है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत ही तेज धूप निकली हुई है घर पे, मतलब पूरे गांव में ऐसा खुशनुमा अंदाज है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है सूरज। आज हमारे सोलर पैनल बिजली भी बहुत बना रहे होंगे। सच में आज इतनी ज़बरदस्त धूप है ना दोस्तों। हेलो, देखो मैं चैलेंज दे रही हूँ मैं कि आज तुम्हें पूरे दिन पूरी रात जंगल में रहना है, खुद खाना बनाओगे, सब कुछ वही करोगे। 24 घंटे का चैलेंज, अपना वहाँ पे सामान जोड़ो, जाके चूल्हा वूल्हा बनाओ, खाना वही बनाना है तुम्हें, और हमारे लिए भी लेके आना। ओके गाइस, देख रहे हो आप कितना लंबा चौड़ा आंगन है हमारा। और अगर आप हारे तो 2100 रुपए, किसको जीते तो 2100 निकाल लेंगे तुम्हारे YouTube अकाउंट से। दोस्तों आप देख सकते हैं रूबी ने जो आज मुझे चैलेंज दिया था, और मैं उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आ चुका हूँ। क्यों, मैं जा रहा हूँ अभी, और मुझे बहुत ही घनघोर जंगल में जाना है। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ है। देखो पूरा आप देख सकते हो जबरदस्त तरीके से खेत है, गौशाला है। मैं गाँव से बाहर आ गया हूँ, और ये यहाँ पे एक टंकी बन रही है, वहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अभी आगे आपको दिखाते हैं, पूरी प्रॉपर गौशाला है यहाँ पे, और यहाँ सब लोग काम करते रहते हैं। क्या है कि सरकारी गौशाला है, अस्थाई गौशाला गांव की हमारे की। और अबे ये कौन है? हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है भैया जी? नमस्ते नमस्ते, और ठीक हो भैया जी? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यही फोटो खींच रहे आए थे, फोटो शूट करना है यहाँ पे। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ ना बहुत ही ज़बरदस्त जंगल है ना, तो इसलिए लोग सब फोटो शूट करने आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे से ग्रीनरी के साथ में ना बहुत ही अच्छा व्यू आ जाता है। तो अभी मैं भी तुम्हें एक फोटो चैलेंज दूँ? हाँ भैया दो। तुम अगर कितने लोग हो साथ में? हम दो हैं, एक फिलहाल तो दो ही हैं। अच्छा, और जो भी मेरे साथ लास्ट तक टिकेगा, आज मैं क्या है कि तुम्हारी भाभी ने मुझे एक चैलेंज दिया है, और वो चैलेंज है हॉन्टेड फॉरेस्ट का। यानी कि हॉन्टेड क्या, मुझे फॉरेस्ट में रहना है। भूत तो होते हैं रात को जंगलों में, अगर रुकेंगे तो ऐसा लगता है हमें। तो अगर जो भी मेरे साथ लास्ट तक रुकेगा उसको मैं 2100 रुपये का इनाम दूंगा। कौन, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ चलेंगे। पक्का? डन। यहाँ का सबसे अच्छा जंगल कहाँ है, सबसे भयंकर जंगल? भैया यहीं पे, एक थोड़ी सी दूरी पे बहुत बड़ा जंगल है, और वहाँ तो भूत भी है शायद। सच्ची में? सच में भूत है शायद, हमने सुना। हाँ भैया, बहुत लोग बताते हैं, बड़े बूढ़े हमारे, हाँ। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बतामे के बाल को उंगे को मत जाइयो, एक बार को पलंग को चले जाइयो। तो आज चलें क्या वहाँ? चलो भैया, रह लोगे? भैया हमें तुम बचाओगे, कोई नाटक तुम्हारे जुम्मे है जी? नहीं, जुम्मे तो है मेरे साथ, तो जो लास्ट तक रहेगा वो 2100 मिलेंगे, और जो पहले भाग जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। 2100 को तो राजी है। चलो चलो। तो दोस्तों हमने सोचा है कि जब हम इतने टाइम तक रुकेंगे इस जंगल में जहाँ हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, तो पहले हम वापस जाते हैं और कुछ खाने के लिए ना सामान ले आते हैं, ताकि जब हम वहाँ रुकें रात के लिए तो कुछ बनाने के लिए भी तो होना चाहिए ना हमारे पास में। बात तो सही है। तो मैगी और कुछ खाने पीने के लिए थम्सअप, मतलब पार्टी टाइम होना चाहिए ना यार, जब रात को रुक रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ जंगल में, ये सच में बहुत ही खतरनाक जंगल है, आप देख सकते हो यार। आज मैं सच बता रहा हूँ कि मैं पहली बार इस चैलेंज को कर रहा हूँ, तो मुझे खुद डर लगने लगा है अभी से, क्योंकि अभी तो खैर दिन है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। हमारा जो हमने भेजा था छोटू को, वो इतना सारा सामान ले आया तू? हाँ, तो जो आपने बोला था मैं ले आया। क्या क्या लाया? कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, चिप्स लाया हूँ, मैगी लाया हूँ। तो मतलब तुम्हारे तो मौज आने वाली है आज। और क्या, जैसी थोड़ी सी। और ये देखो बंदर महाशय हमारे पास आ चुके हैं जी। ये देखो बंदर, एक बंदर ये रहा, एक ये रहा। हेलो,
वाओ गजब। भाई हमने बंदरों को कुछ डाल दिया, अभी इतने सारे बंदर इकट्ठे हो गए ना यहाँ पे। भाई इतने सारे बंदर हो गए ना यहाँ पे, हमें लग रहा है हम जो खाने के लिए सामान लाए थे वही खाना कम पड़ जाएगा। दोस्तों इतने बंदर आ गए ना यहाँ, किधर देखो घूम के आ रहा है। मुझे लगता है हमें घेर रहे हैं यार, ये हमें घेर रहे हैं, टैप कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं यार, मुझे लग रहा है हम जंगल में फंस गए। दोस्तों क्या ही बताऊं तुम्हें, जब से हमने इनको दिया है ना, इन्होंने हमारा बैकअप कर रहे हैं लोग ना, ये बंदर जो हैं ये चारों तरफ से हमें घेर लिया है कि और भी कुछ खाएंगे और तुरंत हम इनसे छीन के भागेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे बंदर ना हमारे पीछे हैं, और हमें भी कुछ भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाने का मन कर रहा है, बट देखते हैं अभी क्या होगा। भाई ये बंदर पीछे हमें छोड़ रहे हैं हमारा, ये इधर उधर ना हमेशा अभी दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो भूख बहुत तेज लग रही है। दोस्तों कोई यहाँ पे फल नहीं मिलता क्या भाई? कौन से वाला? कैद का फल तो दूसरी साइड है वो है? चलेंगे चलो उधर की साइड में। रात में भूत भूत भी है, है? भूत सच में? ये भाई यहाँ के लोकल बंदे मिल गए हैं हमें, तो इनका भी पूछते हैं कुछ एक्सपीरियंस। भाई कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारे भूत भूतों का? अरे यहाँ पर आ जाते हैं रात में कभी वो। अच्छा, इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं आता, रात में मंदिर है उधर की तरफ। मंदिर भी है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हाँ तो आज तुम रहोगे हमारे साथ? हम लोगों ने एक चैलेंज किया है कि जो भी हमारे साथ लास्ट तक टिका रहेगा उसको 2100 रुपये मिलेंगे। हाँ, जो जो भाग जाएगा रात के चैलेंज में वो आउट हो जाएगा हमारे गेम से। नहीं कोई नहीं, रहेंगे आपके साथ। ठीक है, ये आज नहीं खा रहे, तू खोल यार अभी देखेंगे आना जाओ। अरे यार यार पिज्जा भी ठंडा हो गया, पकड़ना दे 500। वो आ गए, आगे सही नहीं आगे, भैया उधर से भी आ रहे हैं भैया। भाग रहे हैं, ये भागना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। रुक जा मेरे दो यार
ले तो सिंगल थे दोस्तों, कारवा जुड़ता चला गया। देखो मेरे पीछे कितनी भीड़ है इस समय। जब मैं जंगल में आया हूँ तो एक 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 करके लोग मिलते चले गए और सब हमारे साथ चल रहे हैं। और अभी हमें लग रही है भूख, तो हमने सोचा है कुछ बना लेते हैं। भूख के लिए हमने कुछ खा लिया, लेकिन अभी श्वेता ने बोला था वहीं कुछ बनाना है, खाना है, तो इसलिए हम आ गए। यहाँ पे पास में एक मंदिर है, भैया ने बताया था, उस मंदिर तक पहुँच रहे हैं। बस मंदिर पे पहुँच के कुछ बनाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ जुगाड़ होगा बनाने का तो देखते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है कि मंदिर हमें मिल चुका है और सब लोग थक भी चुके हैं, क्योंकि नेट 2 किलोमीटर दूर था वो जंगल में से। हाँ देखो ये। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ कि यहाँ ईंटें भी हैं, ईंटों से हम चूल्हा बना सकते हैं कम से कम। और भैया फलों का पेड़ भी है। ओ ये वही वाला फल है क्या, कैंथ का फल? कहाँ है जो भैया बता रहे थे ये? ओ ये देखो दोस्तों, ये फल लग रहे हैं ना, ये कैंथ का फल है। फोटो लग चुका है पत्थर मारने अपना। ओए ऊपर हमारे मत मार दियो, बस इधर से मारता हूँ और किधर उसमें मारता हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। ओ टूट गया, ये तो पत्थर था ऊपर। टूट गया क्या? दो टूटे, दो। दिखाना कैसा होता है कैथ का फल। ये तो खराब है। खराब है? ओहो ये तो खराब है, ये खराब है, चलो दूसरा तोड़ते हैं। तुम्हें क्या पहन रखा है तुमने? ये दुपट्टा है, ऐसे है, क्या पहन रखा? भैया हम आ गए हैं, हमें बहुत दूर वाले घने जंगलों में, घर से कम 20 किलोमीटर की दूरी है और बहुत ही घनघोर जंगल है यहाँ। अपने खेतों में जाते तो पानी तो लग जाता। ओ भैया गुफा 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 बाली की गुफा है। और ये देखो दोस्तों आग कितनी तेज पकड़ चुकी है हमारा चूल्हा। दोस्तों ऐसा फील आ रहा है वास्तव में जैसे मैं कहीं पहाड़ों में कैंपिंग कर रहा हूँ, वहां मैं अपना खाने का इंतजाम खुद कर रहा हूँ।